हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और सामान्य रूप से इस तरह का जो विषय होता है वो अपने आप में एक उसके बहुत सारे अलग तरह के पक्ष होते हैं, अलग तरह के आयाम होते हैं, विविध आयाम होते हैं। इस विषय को मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत पहले ही इस पे चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन समय के हिसाब से और जब विचार आते हैं तो वो विषय हम अपने चर्चा के लिए ले पाते हैं। विषय के बारे में बात करने से पूर्व, इसको आरंभ करने से पूर्व एक दो बातें आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ सूचना के रूप में, कि आप लोग कृपया अपना नाम पता जो है वो इसमें शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में। उसके अतिरिक्त और कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। और बीच में समय आने पर हम आप लोगों के साथ जो है लिंक शेयर करेंगे जो आपके सर्टिफिकेट के लिए है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट। और तीसरी जो सूचना है वो ये है कि ये लगभग 1 घंटे का, 1.25 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें से 45 मिनट का डॉक्टर साहब का लेक्चर रहेगा। वो इस विषय पे आप लोगों के साथ विचार साझा करेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर रहेंगे, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा वो लिंक शेयर कर लेंगे। अब सीधे सीधे हम विषय की ओर आते हैं, क्योंकि समय भी महत्वपूर्ण है और बाकी चीजें जानने के लिए जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बात शुरू की थी कि रोल ऑफ संस्कृत इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिबेट्स, ये विषय हमें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। और मुझे नहीं मालूम किसी संस्कृत के लोगों ने इन विषयों को कभी लिया है कि नहीं लिया है, या ये पहली बार ही इस तरह का विषय लिया जा रहा है। और मैं इसके कुछ एक प्रश्न आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि उनका इस विषय में जो उनकी जानकारियां हैं वो क्या हैं। और जैसे जैसे बातचीत अग्रसर होगी और आप देखेंगे कि ये जो भाग एक है ये आगे चल करके अनेक भागों में सारी परिचर्चा हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे भागों का मतलब है कि लगभग ये 4, 5 या 6 इसके ऊपर लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें मटेरियल है संविधान सभा के वाद विवाद में संस्कृत को लेकर के, जो कि संस्कृतज्ञों ने कभी देखा ही नहीं। तो उसके लिए तो हमें आज जो है डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी का संस्कृतज्ञों को आभार व्यक्त करना पड़ेगा, धन्यवाद उनका प्रति ज्ञापित करना होगा कि उन्होंने इस ओर जो है वो हमारा ध्यान भी आकर्षित किया और इसके लिए उन्होंने वो मेहनत भी की है। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े निष्ठा के साथ ये उन्होंने मेहनत की है इस सारे सामग्री को इकट्ठा करने में, क्योंकि जितना कि मैंने उस सामग्री को देखा है वो बहुत व्यापक है। संविधान की जो डिबेट्स हैं बहुत लंबी चौड़ी हैं, तो उनके बीच में से एक-एक जगह को देखना, टटोलना और फिर उसमें से जो रेलेवेंट मटेरियल है उसको निकाल के लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और अलग-अलग जगहों से उसको जो है अच्छी-अच्छी बातें, जैसा कि हमें बताया जाता है, उन बातों को इकट्ठा करके, वहां के नियमों को इकट्ठा करके, वहां की प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करके हमने, मुझे लगता है, एक सर्वोत्कृष्ट जो है वो संविधान बनाया है। अब ये सोचने वाली बात हो सकती है कि ये सर्वोत्तम संविधान है या नहीं है, उस पर हम कुछ एक बातें करेंगे। इससे पूर्व की मैं और कुछ एक बातें करूं, मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं, आज के जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जो हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आरकेएसडी कॉलेज कैथल में, उनसे मेरी मित्रता बहुत पुरानी है। और ये मित्रता का जो आधार है ये सामान्य मित्रता के आधारों से बहुत भिन्न है। ज्ञान के आधार पे ये मित्रता स्थिर है, प्रेम तो होता ही है मित्रता में, लेकिन ज्ञान उसमें अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि उस मित्रता में जान आ जाती है।
डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी की रुचियां भी इसी तरह ज्ञान की ओर अग्रसर रहने वाली हैं, ज्ञान के प्रति निष्ठा वाली हैं। आजकल जो ये कार्य कर रहे हैं वो भी बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो है कि गीता के आधार पर सारे संविधान की व्याख्या, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपका प्रीएम्बल है और बाकी सारी चीजें हैं, उसमें उन्होंने काफी काम किया है और गीता के आधार पर ही सारे संविधान की वो व्याख्या करने का एक महनीय प्रयास कर रहे हैं, जो कि नितांत प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त समय समय पे जब भी उनसे चर्चा होती है और जब भी उनसे बातचीत हुई है, तो उस बातचीत का ये परिणाम जो है ये हमारे सामने जो है आज इस परिचर्चा के प्रथम भाग के रूप में उभर कर आया है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कितनी गहरी रुचि, अपना विषय तो पता ही है, लेकिन उस विषय के साथ साथ जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में भी जो ज्ञान के स्रोत हैं, उनके ऊपर उनकी विशेष निष्ठा भी है और उसको वो टटोलना भी चाहते हैं। ये निष्ठा केवल ऐसी अंधश्रद्धा जैसी नहीं है, वो उसमें से जो टटोल करके निकालना चाहते हैं, एक तुलनात्मक रूप से वस्तुओं को, तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके लिए वो सचमुच आदर और सम्मान के पात्र हैं। वक्ता का परिचय देने के बाद सीधे सीधे हम विषय पे आते हैं, ताकि हम मुख्य वक्ता की बात को सुने और उन्हें अधिकतम समय दें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जिसे CADS कहते हैं, वो क्या है कि जो कुछ चर्चाएं 1946 में शुरू हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से आरंभ होकर के 24 जनवरी 1950 तक हुई हैं, वहां पर हमारे जो प्रतिनिधि, जिन्होंने अपने आप को प्रतिनिधि मान लिया, या उस वक्त के लोगों ने जिन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजा गया होगा, हालांकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं हमें हैं कि कैसे वो सारे लोग चुने गए और किस रूप में वो आए, क्या सारे नेता स्वयं पहुंच गए, बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। तो उन लोगों ने, हम ऐसा मानते हैं कि बहुत ईमानदारी से, बहुत व्यापक दृष्टि से, बहुत ही इस भारत भूमि के लिए जो कुछ भी अपनी भावनाओं को अनुभव करते हुए उन्होंने इस सारे संविधान को बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे की एक स्टेटमेंट है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे पहले चेयरपर्सन थे उस संविधान सभा के, उन्होंने जो बात कही उसका मैं कंक्लूजन लास्ट में दे रहा हूँ, जो अपने उन्होंने प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स में जो बातें कही थी, और इस पे मैं टिप्पणी भी करना चाहूंगा, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो सारे के सारे संविधान सभा की डिबेट्स हैं, वो दो चीजों को ध्यान में रख करके की गई हैं, जिससे मुझे बड़ी आपत्ति और आक्षेप है और मुझे बहुत सारे मेरे दिमाग में, जहन में प्रश्न है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक फ्रीडम, ये दो मुख्य बातें हैं जिससे कि सारे के सारे भारतीय संविधान की बात निश्चित हुई, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो कमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है, उसमें वो उसकी धारा जो है, उसके जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं किसी भी डिबेट की, किसी भी संवाद तो खैर नहीं होता, लेकिन वाद विवाद जो भी हो रहा है उसकी वो सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ वो चाह क्या रहे हैं, आई विश योर लेबर सक्सेस एंड इनवोक डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट योर प्रोसीडिंग्स मे बी मार्क्ड नॉट ओनली बाय गुड सेंस पब्लिक स्पिरिट एंड जेन्युइन पेट्रियटिज्म बट आल्सो बाय विजडम टॉलरेंस जस्टिस एंड फेयरनेस टू ऑल एंड अबव ऑल with a vision which may restore India to her pristine glory and give her a place of honor and equality amongst the great nations of the world. बहुत अच्छी ये बातें हैं, बहुत आदर के योग्य उनका ये विजन है, ये विश्व जो विश है उनकी, वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अंग्रेजी में भारत के बारे में की जाने वाली वो सारी परिचर्चा, वो वाद विवाद संवाद जो भी आप कहना चाहें, जब आप देखने लगते हैं, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी
बहुत सारे प्रश्न आपको घेरने लगते हैं कि क्या सचमुच ये भारत को लेकर के लिखा गया संविधान है, भारत के लिए चर्चा किया गया, ये मतलब भारत को ध्यान में रख करके लिखा गया ये संविधान, और अगर भारत के लिए, भारत को ध्यान में रख के ये संविधान बनाया गया होता, ये चर्चाएं आरंभ की गई होती, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो परंपरा है, जो कृषि प्रधान संस्कृति है, उसको इसमें स्थान जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन जितनी मैंने ये डिबेट का जितना हिस्सा मैंने पढ़ा है, उससे मुझे बड़ी निराशा ही मुझे अभी हाथ लगी है। लेकिन मैंने क्योंकि पूरी अभी डिबेट्स नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, तो उसको मैं प्रश्न के रूप में ही लूंगा। अब आप एक चीज और उसमें देखते हैं कि हमने बाद में सेकुलरिस्ट शब्द भी डाल लिया अपने संविधान में, लेकिन आपका जो मूल प्रति संविधान की है, हालांकि ये पिक्चर्स क्लियर नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप देखते हैं, रामायण के चित्र देखते हैं, और फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वहां पे अर्जुन आदि के भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे चित्र जो हैं वो आपको संविधान में, लिखित संविधान में, जो हाथ से लिखा गया संविधान था, कैलीग्राफी जिसकी बहुत खूबसूरत है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, और आप जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, लॉ के लोग हैं, वो सभी इन बातों को जानते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ जो अब शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं टिप्पणी के रूप में, पूरी चर्चा के रूप में, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो है मेरे सारे प्रश्नों से असहमत भी हों, और उस पर जो है अपनी बात हमारे साथ रखें। मुझे लगता है, जब मैं अपनी भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी जब संविधान बनाया जाना चाहिए, उसके दो ही पक्ष होते हैं, एक है फ्रीडम और दूसरा है बॉन्डेज, कि बंधन को आपको मुक्ति देना, और दूसरा फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करना है। उस फ्रीडम को, आपको फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन हम यही अगर सेंस नहीं दे पाए कि आप अपनी फ्रीडम का उपयोग कैसे करेंगे, तो ये संविधान पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और वो फ्रीडम क्या आपको बताती है, कि आप कंपल्सिव चॉइसेस नहीं करेंगे, आपको कॉन्शियस चॉइस करनी आनी चाहिए, यानी कि संविधान आपको एक क्वालिफाइड सिटीजन बनाता है। एक सिटीजन तो है ही है, जन्म के कारण, आप इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में पैदा होने के कारण आप एक सिटीजन तो है ही है, आप नागरिक तो है ही है इस देश के, लेकिन क्या आप एक सेंसिबल नागरिक हैं, क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या आप कॉन्शियस चॉइसेस करने वाले क्वालिफाइड सिटीजन बने या नहीं बने। तो निश्चित रूप से पिछले 73 सालों में जो हम लोगों ने संविधान के आधार पर जिस तरह के सिटीजन का निर्माण करने का प्रयास किया है, उसके व्यवहार का निर्माण करने का प्रयास किया है, वो एक विचार का अवश्य ही मुझे लगता है बिंदु है। हालांकि उसमें अपनी तरह के जस्टिफिकेशंस भी हैं, उसमें दोष भी हैं, कमियां भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन जल्दी से मैं कुछ एक प्रश्न आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जो हम आगे चल के इन डिबेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेंगे। अक्सर मैं जब भी संविधान को पढ़ा, और संस्कृत में जब मैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब बातें कर रहे थे और ह्यूमन राइट्स का एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और संस्कृत में उसका अनुवाद भी मुझे मिल गया, और उसको हमने अपने हिसाब से परिवर्तित भी किया। अब जब उस संविधान को मैं पढ़ता हूँ, उसकी भाषा को पढ़ता हूँ, उसकी इंटेंशन को पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में सीधा पहला एक प्रश्न आया कि व्हाट इज इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा शब्द कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लॉ का व्यक्ति मुझे बता सकता है कि ये भारत की परंपरा से हमने उठा करके ये शब्दों को हमने यहाँ प्रयोग किया। दूसरा मेरा सवाल जो है, डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन फॉर्म एंड एसेंस ऑफ इंडिया। क्या भारत को, अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ केवल जातिवाद था, स्त्रियों का दमन होता था, और यहाँ पर केवल पाखंड और धूर्तता और पिछड़ापन ही था, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, मुझे लगता है आईने अकबरी और ये सारे ग्रंथ जो हैं, जरूर मैगस्थनीस का जो है इंडिका जरूर पढ़ना चाहिए, पाहियान का जरूर पढ़ना चाहिए, ह्यूमन सांग के जो मूल ग्रंथ हैं, हिस्टोरियंस नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस जहां तक मैंने अब पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, हिस्टोरियंस ने जो है वो बहुत
न्याय नहीं किया है भारतीय इतिहास लेखन में, वो अलग विषय है, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा। लेकिन निश्चित रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम भारतीय संविधान कह रहे हैं, उसमें क्या भारत की जो आत्मा है, जो उसका कोर है, जो एसेंस है और जो उसकी फॉर्म है, क्या वो किया वो उसमें उपलब्ध होता है या नहीं? Have there been any terms, concepts, ideas included from the Indian traditional wisdom? ये तो मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ, इसमें और नहीं मैं समय लेता। Does Indian constitution intend to lead all of us to well-being? क्योंकि संविधान आखिर बनाना किसके लिए है? संविधान इसीलिए कि 130 करोड़ लोग जो हैं उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, उनकी आपस में सद्भावना हो, सद्बुद्धि हो, उनके सत्कर्म हो, यही तो होता है। तो उस वेलबींग का आइडिया क्या है? आपने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, आपने साथ में चलिए ड्यूटीज भी बता दी, लेकिन अल्टीमेटली वेलबींग जो चाहिए था इस देश में, सुख संपन्नता समृद्धि आदि आदि जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, अगर वो थे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मुझे उसमें देखने को अभी तो नहीं मिला। लेकिन विद्वानों से जब आप इस तरह के प्रश्न रखते हैं तो वो निश्चित रूप से उत्तर देते हैं। और एक अंतिम जो बात है, क्योंकि जब मैंने अंग्रेजी में, बड़ी अजीब बात लगती है मुझे कि भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं, भारतीय ही बात करने जा रहे हैं, और सारी की सारी जो डिबेट है वो सारी की सारी आरंभ कहाँ से हो रही है और की किस में जा रही है? अंग्रेजी में की जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके जो अंडरकरंट्स हैं, वो बिजनेस और विस्तारवादी हैं, वो कृषि प्रधान कभी नहीं रहे हैं, वो बिजनेस की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहे जो भी टर्म उठाएंगे तो वो नाम मनुष्यता का जरूर होगा, लेकिन उसके अंडर करंट्स जो हैं वो बिजनेस और ट्रेड के होंगे। तो इसलिए आखिरी प्रश्न के साथ मैं आमंत्रित करूंगा इन डिबेट्स के बारे में बात करने के लिए, कि इन डिबेट्स में संस्कृत को कहाँ स्थान दिया, संस्कृत का क्या रोल होना चाहिए था, और क्या लोगों ने किस रूप में संस्कृत को वहां प्रस्तुत किया। तो आखिरी जो मेरा प्रश्न है, इन इफ इंडियन सोसाइटी इज नोन एज एग्रेरियन सोसाइटी, क्योंकि इतिहास की किताबों में आपने यही पढ़ा होगा और यही जाना होगा, देन वेयर आर इट्स इम्प्रिंट्स इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन? Don't you feel that all terminologies, policies, framework of the constitution are only for industrial society? क्योंकि ये जो freedom की बातें हैं और जितने भी आपके fundamental rights हैं और ये जो fraternity और ये सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी इसलिए आवश्यक हैं ताकि business, industry और इस तरह का सारा जो मनुष्यता का व्यापार है वो चल सके, या सचमुच ही हम लोग एक मनुष्यता की कल्पना को लेकर के चल रहे थे? यदि ऐसा है तो उसके विषय को मैं निश्चित रूप से दोबारा पुनरावलोकन करूंगा, दोबारा से मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को पढ़ना शुरू करूंगा। तो मुझे बहुत सारे उसमें से आक्षेप और आरोप हैं, बहुत सारे मेरे प्रश्न भी हैं, तो उन प्रश्नों को हम बाद में लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को, कि वो अपना विषय जो है कि इस सारी डिबेट्स में संस्कृत का रोल क्या रहा है और क्या होना चाहिए था, क्या वो हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या उसमें गड़बड़ रही, क्या कमी रही, वो उस सारे विषय पे ये आरंभ हुआ। और जैसे कि मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, ये एक बार में वक्तव्य पूरा होने वाला नहीं है, इसको चार या पाँच इसकी जो लेक्चर सीरीज जो है वो हम करेंगे, तब जाकर के ये जो मैंने अभी प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों तक हम पहुंचेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता को कि वो हमारे साथ अपनी बात आरंभ करें, और लगभग 40-45 मिनट वो अपनी बात हमारे साथ रखेंगे, फिर आप लोग अपने प्रश्न उत्तर जो हैं वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सर, जी सर, आ रही है सर आवाज? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं वीडियो। धन्यवाद जी। जी सर, धन्यवाद आशुतोष जी। भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आशुतोष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा विषय लिया है आज चर्चा के लिए कि ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैंने इस विषय को 40 वर्षों के अपने
अध्ययन और अध्यापन के कार्यखंड में कभी भी नहीं छुआ था, क्योंकि संविधान का विद्यार्थी होने के नाते जो हमारा सिलेबस है वो उस तरह से बंधा हुआ है कि उसमें लगता ही नहीं था कि इस विषय की ओर भी देखा जाए। और मुझे ये लगता है कि मुझे कोविड के बारे में मालूम नहीं है ज़्यादा कि संस्कृत में भी शायद जो हमारी विषय सामग्री पढ़ाई जाती किसी भी स्तर पर कहीं पर संविधान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का कोई विषय रखा गया हो। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसे विषय को कि जिसे मैंने दिल से तो चाहा है लेकिन आशुतोष जी के कारण कह सकता हूँ कि दिमाग से भी प्रयोग करना पड़ा है मुझे, कि एक विषय दिल से जुड़ा हुआ हो सकता है आपको लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करना है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन भाई और बहनों मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप आशुतोष जी की बातों में मत आना, क्योंकि मित्र जो हैं वो हमेशा सिर्फ प्रशंसा ही करते हैं, गुण देखते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि इस विषय पर मेरा ज्ञान जो है एक नर्सरी के विद्यार्थी की भांति है, क्योंकि इस विषय को मैंने मुख्य रूप से अपने सेवानिवृत्ति के बाद लिया है। जहाँ तक आज के इस विषय की बात है तो अनेक प्रश्न आशुतोष जी ने रखे हैं जो बहुत विस्तार से चर्चा के, एक एक प्रश्न पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विषय से ना हटते हुए आज मैं आपसे केवल वो जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि संविधान में जिसके ऊपर चर्चा 12 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 पर हुई है, क्योंकि इन तीन दिनों में भारत की राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा क्या हो इस पर चर्चा हुई है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पहली बात कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दिया गया है, मान्यता नहीं दी गई है, केवल हमारे यहाँ पर राजभाषा के रूप में जो आर्टिकल 343 है उसके अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी को और उसके साथ साथ प्रांतीय भाषाओं के रूप में अन्य को दिया गया है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको संस्कृत के बारे में कि मसौदा समिति की ओर से जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो यह प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं रखा था बल्कि मसौदा समिति की ओर से एन गोपालस्वामी अयंगर जी ने रखा था, और उसमें उन्होंने जो आज वर्तमान में आर्टिकल 351 है कि जिसमें कहा गया है कि हिंदी के उन्नति के लिए मुख्य रूप से संस्कृत की शब्दावली को प्राथमिकता दी जाए, उसके अतिरिक्त अयंगर साहब ने संस्कृत के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि जो प्रांत अन्य भाषाओं के जो जिक्र किया गया है जो उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल था अनुसूची थी 7A जो अब वर्तमान में 8वीं है उसमें संस्कृत भाषा का जिक्र ही नहीं था, बल्कि ये तो जब 14 सितंबर की डिबेट खत्म हुई है तब उसमें 13 थी वो 14 के रूप में 10A के रूप में संस्कृत को डाला गया था। तो पहली बात तो इस जो तीन दिन की परिचर्चा हुई संविधान सभा में उसका एक लाभ ये अवश्य हुआ कि संस्कृत को एक भाषा के दृष्टिकोण से कम संवैधानिक मान्यता दी गई। अच्छा यह हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात यह है, प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संविधान निर्माता संस्कृत को चाहते नहीं थे, एक प्रश्न है, और यदि चाहते थे तो कितना चाहते थे, दूसरा प्रश्न, और तीसरा यदि चाहते थे तो फिर क्यों इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तो इन पहलुओं को देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें पहले कि मैं अपनी बात आगे करूं एक दो बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इस विषय में मेरे को अपेक्षा थी पढ़ने से पहले कि एच वी कामत जी अवश्य आएंगे परिचर्चा में, वो नहीं आए हैं, क्योंकि एच वी कामत जी एक ऐसे संविधान सभा के सदस्य हैं कि जिन्होंने सर्वाधिक संस्कृत के श्लोकों का उदाहरण दिया है, लेकिन वो नहीं आई हैं और ना ही डॉक्टर अंबेडकर आई हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मसौदा समिति की ओर से अयंगर साहब थे, और जैसे आप सबको पता है कि हमारे एक समझौता हुआ था असल में, ये सबसे बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न था कि भारत की राजभाषा क्या हो, और वो झगड़ा जो है मुख्य रूप से विवाद जो था हिंदी बनाम अंग्रेजी का बनकर रह गया था, और उसके कारण संस्कृत कहीं पिछड़ गई थी, उसकी ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया था, और इसीलिए
श्री पंडित लक्ष्मी मैत्र जो है, लक्ष्मीकांत मैत्र, उन्होंने संशोधन रखा था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदी के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी जाए। और जैसा कि मैंने, यदि आशुतोष जी थोड़ा सा मुझे समय दें तो मैं कोट करना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी उस व्यथा को भी व्यक्त किया था प्रस्ताव जी, रखते जी, हुए। जी. उन्होंने ये कहा, मैं कोट कर रहा हूँ सर इन्वर्टेड कॉमा में, मैं उन लोगों के हृदयों को दुखित नहीं करना चाहता जिनका यह विचार है कि हिंदी पर ही उनका अस्तित्व निर्भर है, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, किंतु वे इसका ढोल ना पीटें क्योंकि इससे अंततोगत्वा उन्हीं का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने आरंभ से ही अपने मित्रों से अपना संशोधन अर्थात संस्कृत को भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के बारे में अपने प्रस्ताव को अपनाने के लिए इसलिए आग्रह नहीं किया, सर ध्यान ये क्या करें, इसलिए आग्रह नहीं किया कि इस सभा के कई जिम्मेदार सदस्य यहाँ के दो महत्वपूर्ण विरोधी पक्षों के बीच सम्मानपूर्ण समझौता कराने के लिए गंभीर प्रयत्न कर रहे थे और उनके संबंध में मैं स्वयं चिंतित था। मैं अलग रहा और मैंने किसी पक्ष का भी साथ नहीं दिया क्योंकि मैं समझता था कि मैं सच्चाई के साथ किसी पक्ष का भी समर्थन नहीं कर सकता हूँ। किंतु जब बातचीत एक स्तर पर पहुंच गई और हमें यह आशा होने लगी कि भारत की राजभाषा के संबंध में सर्वसम्मति से एक ऐसा सूत्र अपनाया जाने वाला है जो दोनों पक्षों को मान्य होगा और दोनों पक्ष एक दूसरे पर पर्याप्त त्याग करने वाले हैं, तो उस समय मैंने यह विचार किया कि मुझे अपना संस्कृत भाषा संबंधी प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए क्योंकि उससे बिगाड़ होने की आशंका थी। किंतु दुर्भाग्य से मैं ये कहूँगा कि देश के दुर्भाग्य से घटना चक्र की गति ही बदल गई और वह भी एक ऐसे विषय के कारण जो मेरे विचार से बहुत छोटा था और जिसका महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम था, यह खेदजनक है। और उसके बाद उन्होंने काफी विस्तृत रूप से कहा है, आगे वो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यह एक आश्चर्य की बात है कि मेरे संविधान संशोधन की सूचना देने से पूर्व किसी ने भी संस्कृत को भाषाओं में एक भाषा मानने के औचित्य पर विचार तक नहीं किया। जानिए सर वो क्या कह रहे हैं कि संस्कृत पर विचार करने के लिए औचित्य पर विचार तक नहीं किया, हम इतने नीचे गिर गए हैं। मैं संस्कृत को स्वीकार करने के संबंध में आपसे गंभीरता पूर्वक आग्रह करते हुए तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। इस देश में कौन व्यक्ति यह कहेगा कि संस्कृत भारतीय भाषा नहीं है? मुझे यह तर्क सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह भारतीय भाषा नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जी हाँ, वह अवश्य ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा तथा विश्व भाषा है और वह इस अर्थ में कि वह महत्वपूर्ण, सुसंपन्न, सुव्यवस्थित तथा महान होने के कारण भारत की सीमाओं को पार करके सुदूर देशों में प्रतिष्ठित हुई है। संस्कृत भाषा में भारत की प्राचीन प्रौढ़ संस्कृति मूर्तिमान होने के कारण ही भारत के बाहर सभी देश हमें आदर की दृष्टि से देखते हैं। क्या इस सभा में कोई व्यक्ति इस कथन के विरुद्ध कुछ कह सकता है? क्या संसार भारत का सम्मान उनके भौगोलिक आकार अथवा वृहत जनसंख्या के कारण करता है? विद्वेष रखने वाले विदेशियों ने हमारे देश का वर्णन करते हुए कहा है कि यह देश अपनी विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं के कारण दयनीय दशा को प्राप्त है। ऐसी धारणा होने पर भी उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूर्व का संदेश ज्ञात करने का प्रयास किया है और संस्कृत भाषा का आश्रय लिया है। तो जैसे कि पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने कहा, इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि इनसे पहले जो वक्ता थे नजीरुद्दीन अहमद जी, उन्होंने भी संस्कृत भाषा की प्रशंसा में समर्थन में अपनी बात कहते हुए अनेक विदेशी विद्वानों का, जो कि मैं इस समय भाव के कारण कोट नहीं करना चाहता, उनका जिक्र किया है कि किस प्रकार से विदेशी विद्वानों ने
संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य दर्शन के कारण संस्कृत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये बात मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूँ सर कि एक हमारे यहाँ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश बना है कि यदि कोई व्यक्ति मुसलमान है तो स्वमेव मान लिया जाएगा कि उसने तो संस्कृत की प्रशंसा नहीं की होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है इसको कोट किया मैंने। इसके अलावा पंडित लक्ष्मीकांत मित्र ने संस्कृत के बारे में जो कहा है, उन्होंने एक तो संस्कृत के बारे में विदेशियों ने जो कहा उसको कोट किया है, दूसरी एक और बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही, जैसा कि आरोप था कि संस्कृत एक मृत भाषा है, उसका उन्होंने पुरजोर खंडन किया और ये बताया कि संस्कृत मृत भाषा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनका स्रोत संस्कृत है। चौथी बात उन्होंने कही कि संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गुरुजी फोन की स्क्रीन ठीक करो, थोड़ा ऊपर कर लो, चेहरा आधा आ रहा है। अच्छा ऐसे हो गया। थैंक यू। ठीक है। अच्छा एक और बात बड़ी अच्छी है, पंडित लक्ष्मीकांत मित्र ने संस्कृत की बात कहते हुए उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने अंग्रेजी का भी समर्थन किया है, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना था, मानना था, संस्कृत द्वारा ही पश्चिम को भारतीय जो हमारी संस्कृति या संदेश है वो दिया जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इस बात को मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा आपको। जो उन्होंने अंतिम बात कही थी उसके बारे में सर मैं कोट कर रहा हूं, इसराइल में क्या हो रहा है, अब चूंकि यहूदियों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है इसलिए उन्होंने इब्रानी को ही अपने देश की राजभाषा बनाया, वे अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता तथा अपनी परंपरा का आदर करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय मैं इस उद्देश्य से यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि संस्कृत के अध्ययन से हमारी प्राचीन वैभव का पुनरावर्तन हो, हमें अपना संदेश पश्चिम को भी सुनाना चाहिए, पश्चिम भौतिकवाद की सभ्यता को अपनाए हुए हैं, हमें पश्चिम को गीता का वेदों का उपनिषदों का तंत्रों का चरक तथा सुसूत्र आदि का संदेश सुनाना चाहिए, इन्हीं बातों के कारण संसार हमारा आदर करने लगेगा, न कि राजनीतिक वाद विवादों तथा अथवा वैज्ञानिक खोजों के कारण जो उन खोजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। पश्चिमी देशों में नैतिकता तथा धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन भी विनिष्ट हो गया है और वे पथ प्रदर्शन के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो पंडित लक्ष्मीकांत मित्र थे वो इसलिए नहीं चाहते थे कि संस्कृत राजभाषा हो बल्कि वे संस्कृत में उपलब्ध जो हमारा ज्ञान था जो हमारा दर्शन था जो हमारा जीवन मूल्य थे उनकी प्रस्थापना भी चाहते थे। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, डॉक्टर रविंद्र जी। मुझे लगता है कि या तो उनके सिग्नल्स में कहीं कुछ समस्या है, थोड़ा धैर्य हम सभी को रखना पड़ेगा। वही हुआ, मुझे लगता था कि उनका शायद सिग्नल जो है वो वीक थे
और उससे डिसकनेक्ट हो गया, उनको मैं दोबारा निवेदन करता हूँ जुड़ने के लिए और हम चर्चा आगे रखेंगे। डॉक्टर साहब आप डिसकनेक्ट हो गए हैं और आपकी आवाज नहीं आ रही। पता नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आवाज तो आ रही है। आ रही है। हाँ जी अब आवाज तो आ रही है उनकी। आ रही है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब अब आप सुन पा रहे हैं रविंद्र जी? नहीं डिसकनेक्टेड ही है सर अभी। वो एक्चुअली मोबाइल पे उनसे मैं बात कर रहा था ना तब उनका लगा होगा। जब तक वो दोबारा जुड़ते हैं तो तब तक एक दो बातें और हम शेयर कर लेते हैं क्योंकि वो सूचनाएं तो सारी उनके पास ही हैं क्योंकि मेहनत उन्हीं की है ये सारी की सारी। कि संविधान सभा में संस्कृत को लेकर के लगभग 400 बार जो है वो इसका जिक्र आया है और लगभग 341 डाटा, एग्जैक्ट डाटा तो डॉक्टर साहब ही देंगे कि 341 कोटेशंस दी गई हैं और बड़ी रुचिकर बहस रही है वहां पर संविधान सभा के दौरान। लेकिन हम लोगों ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि अगर हम कहीं पर भी इस सारे मटेरियल को इकट्ठा करके संविधान सभा के इस विवाद संवाद के इस मटेरियल को संस्कृत से संबंधित मटेरियल को इकट्ठा करके अगर पुस्तक रूप में लाते तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी और एक नई दिशा संस्कृत में उपलब्ध होती। नहीं सर नहीं आई है। आप सिंपल जुड़ जाइए। नहीं सर वो आप डिसकनेक्टेड हैं मुझे इसमें शो नहीं हो रहे। आप मोबाइल से बात आप एक बार डिसकनेक्ट करके रिजॉइन करें। हाँ करें इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ मुझे पता लगा। हाँ जी बेशक डिसकनेक्ट करके दोबारा आप करें। मैडम रेनू प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करें। स्क्रीन शेयर मत कीजिए आप लोग क्योंकि फिर स्क्रीन शेयर करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाती है और उसका कोई लाभ नहीं होता। डॉक्टर साहब आप ऐसे करो मोबाइल से जैसे जुड़ते हैं ना वैसे ही जुड़ जाएं। मुझे लगता है आपको उससे नहीं पता लगेगा। डॉक्टर साहब आप अपने मोबाइल से जुड़ जाइए वो ज्यादा बेहतर है। टेक्नोलॉजी की जैसे कि हम सभी को पता ही है अपनी तरह की दिखते हैं और ये एक नया संघर्ष आप मनुष्यता ने अपने लिए पैदा कर लिया है कि मनुष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काबू करे उस घोड़े को संभाले या टेक्नोलॉजी उसको जो है वो ड्राइव कर रही है। तो यही एक पहला प्रश्न था कि किस तरह से हम जो है वो कंपल्सिव चॉइसेस से हम जो है कॉन्शियस चॉइसेस की ओर आए क्योंकि भारतीय संस्कृति यही है कि आप जो भी चुनाव करते हैं वो अपने ज्ञान के आधार पे सोच समझ करके आप करते हैं वो केवल अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं चुनाव करते। तो ये एक पक्ष था लेकिन अब कोरोना ने हम लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां पर हमारे पास और कोई साधन उपलब्ध नहीं है और उसके साथ हम लोगों को आदत भी नहीं है इस सारे टेक्नोलॉजी के साथ तो इसलिए वो कठिनाई थोड़ी सी आती है बीच बीच में। डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें आप अपने व्हाट्सएप में जो मैसेज आया ना उससे आप जुड़ जाएं लिंक से। हेलो
डॉक्टर साहब आप प्लीज अपने मोबाइल से जुड़ जाइए। उनकी तरफ लाइट जाने की वजह से वो नेट कनेक्शन चला गया है और वो अपनी कठिनाई में, मैं उनसे यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से अपनी बात कर लीजिए। एक दो मिनट का थोड़ा धैर्य रखिए और मैं उनको संदेश दे पाऊँ। डॉक्टर साहब आप कोई नहीं, आप अपने, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल से, आप अपने, हाँ 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 मोबाइल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि कोई ना कोई रिसर्च वर्क किया जाना चाहिए, पीएचडी का काम किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 400 से ज्यादा बार जो है वो संस्कृत को रेफर किया गया है इस संविधान सभा के बाद, संवाद और विवाद में, और बड़ी महत्वपूर्ण वो सारी की सारी उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, और आप देखेंगे कि जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके संदर्भ में विशेष रूप से उनको, उन उक्तियों का प्रयोग किया गया प्रीएम्बल के लिए भी। तो प्रीएम्बल और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संदर्भ में डॉक्टर साहब जब बताएंगे, जुड़ेंगे, तो उस संदर्भ में उन उक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनका ही एक संग्रह करके अगर हम कभी हम बच्चों को पढ़ा सकें, लगा सकें और संविधान के संदर्भ में संस्कृत को पढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि वो एक काफी नया एक दिशा जो है वो संस्कृत सिलेबस में दी जा सकती है। तो और इस तरह के अभी कई और पक्ष उभर कर हमारे सामने आएंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे वो डिबेट्स नहीं पढ़ी हैं, अभी तो उसके आरंभ में ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो आने वाले जो नई शिक्षा नीति है जब लागू होगी, तो इसमें जब हम सिलेबसेस को बदलेंगे, रिवाइज करेंगे और जिस तरह के वहां पर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि वो हम सभी के लिए अब मौका है कि संस्कृत को एक बार पुनः जो है हम नए सिरे से परिभाषित करते हुए और नए सिरे से जो है उसको प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है कि उस पर जब हम चर्चा करेंगे निकट भविष्य में, जो नई शिक्षा नीति है और संस्कृत अज्ञान का जो उसमें दायित्व है उस पर अभी चर्चा रखेंगे लगभग अगले हफ्ते में। तो जी सर, आगे क्या? जी जी बिल्कुल सर, अब आप दृश्यमान भी हैं, दृष्टि गोचर हैं। अच्छा सर, ये टेक्निकल आपको पता है, मेरे कंपाउंड। जी 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 ठीक है सर। शायद जो बता रहा था जी, प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने सभा में कहा इस विषय पर बोलते हुए कि यदि मेरे को चुनने का कहा जाता है तो मैं संस्कृत को चुनता, क्योंकि संस्कृत भारतीय। एक सेकंड मैडम रेनो, प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें क्योंकि बाकियों की स्क्रीन फिर गड़बड़ा जाती है। मैडम रेनो अगर आप बात सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी स्क्रीन को शेयर मत कीजिए, बड़ी कठिनाई हो जाती है। यस सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर थैंक यू। तो इसमें सर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि जो अक्सर आरोप लगाया जाता था संस्कृत के बारे में कि संस्कृत को समझना और उसको मुश्किल है, तो इसके ऊपर श्री कुलधार चालिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि यदि हम हिंदी अथवा हिंदुस्तानी को भी अपनाएं तब भी हम संस्कृत से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि उसी भाषा में हमारा दर्शन तथा संसार के सभी सुंदर पदार्थ वर्णित है। यानी कुलाधर चालिया का बड़ा स्पष्ट मत था कि आप यदि हिंदी को भी अपनाते हैं अथवा आप हिंदुस्तानी को, जिसे कहते हैं कि हिंदी में मिक्स है अन्य भाषाएं, तो भी उनका मानना था कि इसके लिए हमें संस्कृत तो पढ़नी ही होगी, संस्कृत को समझना ही होगा, क्योंकि इसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, आगे अपने दर्शन को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। लेकिन श्री बी एम गुप्ते ने एक महत्वपूर्ण बात कही और वो उनका कहना था कि वो संस्कृत के विरोधी नहीं है, लेकिन संस्कृत निष्ठ हिंदी जनसाधारण की भाषा नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर सर मैं बीएम गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ, ये हमारे जो संस्कृत के विद्वान हैं जो इस समय सुन रहे हैं उनके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, निवेदन है मेरा कि वो इस चीज़ को देखें कि आखिर संस्कृत जो 70 वर्ष पहले कहा गया कि वो जनसाधारण की भाषा नहीं हो सकती, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आज भी नहीं बन पाई? क्योंकि तो यही एक प्रश्न था कि जिसने वास्तव में संविधान सभा को संस्कृत को राजभाषा ना बनाने की ओर अग्रसर किया था। और इसी संदर्भ में अब बड़ा ही विवादास्पद कह सकता हूँ मैं वक्तव्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बड़ी विस्तृत उन्होंने चर्चा की है और खूबी इसकी है कि आप यदि पंडित नेहरू के पक्ष में बोलना चाहते हैं तो इस वक्तव्य को उसको उद्धृत कर सकते हैं, यदि आप उनकी आलोचना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दो बातें कही जो देखने में अंतर विरोधी लगती हैं। पहली बात उन्होंने कही कि वो अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा से राष्ट्र महान नहीं बन सकता। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति, सर ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बड़ी महान है, उसमें बहुत कुछ है जो हम दे सकते हैं, लेकिन युग धर्म की दृष्टि से उन्होंने माना कि पश्चिमी संस्कृति यानी उस समय की जो है हमारी वो अधिक उत्कृष्ट थी। संस्कृत के बारे में उनकी धारणा थी कि संस्कृत जनसाधारण की भाषा नहीं थी किंतु विद्वान तथा विशिष्ट लोगों की भाषा थी। और जब उन्होंने ये कहा, मैं समझता हूँ कि ये बात आज भी है कि आज भी यदि हम देखें कि संस्कृत को हमने सीमित किया हुआ है विद्वान तथा शिष्य लोगों के, जो कि हमारी जनसाधारण की भाषा नहीं बन पाई है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के पक्ष में बोलते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है तो वह अंग्रेजी ही है। सर यहाँ थोड़ा सा हटके एक बात कहना चाहता हूँ, आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है तो हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ने इस दौरान एक कार्य किया है कि जो लोकसभा सेक्रेटरिएट के सदस्य हैं उनको विदेशी भाषाओं को सिखाया जा रहा है ताकि जो विदेशी डेलीगेट्स आते हैं उनसे वो चर्चा परिचर्चा कर सकें। तो पंडित नेहरू ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत का विरोध नहीं था, लेकिन वो इस वास्तविकता की ओर संकेत कर रहे थे कि जैसे कि बीएम गुप्ता जी ने भी कहा कि संस्कृत हमारी जनसाधारण की भाषा नहीं थी। और इसीलिए एक और सदस्य थे माननीय शंकर राव देव, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे संस्कृत निष्ठ हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन वो संस्कृत के समर्थक हैं। तो हिंदी में संस्कृत निष्ठ हो या संस्कृत, उसका मुख्य रूप से जो विरोध था संविधान सभा में वो केवल इसी आधार पर था कि वो जनसाधारण की भाषा नहीं थी। और इसीलिए श्री पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि संस्कृत प्रेमियों के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। आगे थोड़ा सा मैं उनको कोट करना चाहता हूँ, वो कहते सर मुझे संस्कृत से प्रेम है, मेरे विचार में इस देश में उत्पन्न प्रत्येक भारतीय को संस्कृति पढ़नी चाहिए, संस्कृत द्वारा ही हमारी प्राचीन गोपोती बनी रहेगी। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी और मैं उसके पक्ष में मत दूंगा,
किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई क्रियात्मक प्रस्थापना नहीं है कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए। और इसलिए उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। और इसके कारण इस सारी चर्चा के बाद अयंगर साहब ने जो वर्तमान में आर्टिकल 351 है उसको स्वीकार किया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी भाषा के विकास के लिए, उन्नति के लिए मुख्यतः संस्कृत से शब्द लिए जाएं। जब ये चर्चा पूरी हो गई, अक्सर ऐसा नहीं होता कि उस किसी विषय पर जब चर्चा पूरी हो जाती है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो, लेकिन एक अपवाद के रूप में ही मैं कहूँगा कि जब ये पूरी चर्चा हो गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं थे उस समय, उन्होंने एक बड़ी ही टिप्पणी की थी जिसको मैं जरूर कहना चाहता हूँ। कोट कर रहा हूं सर मैं उनको। अब आज की कार्यवाही समाप्त होती है, किंतु सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं बधाई के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे विचार में हमने अपने संविधान में एक अध्याय स्वीकार किया है जिसका देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे इतिहास में अब तक कभी भी एक भाषा को शासन तथा प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। हमारा धार्मिक साहित्य और प्रकाश संस्कृत में सन्निहित था, निसंदेह उसका समस्त देश में अध्ययन किया जाता था, किंतु वह भाषा भी कभी समूचे देश के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं होती थी। आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है कि जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य में, जो कि मैंने सीमित किया है संविधान सभा में जो राजभाषा को लेकर और उसमें भी जो संस्कृत को लेकर विचार प्रकट किए गए थे, उनके संदर्भ में एक विश्लेषण करने का प्रयास किया है, और जिसमें मैं सार रूप से ये समझता हूँ कि यद्यपि संस्कृत के बिना, बिना पढ़े बिना समझे, पहली बात हम ना तो भारतीय दर्शन को समझ सकते हैं और ना ही मैं ये समझता हूँ कि भारतीय संविधान को भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत के ऊपर यहीं पर समाप्त हुई हो बात। संविधान सभा में एक नहीं अनेकानेक विद्वानों ने संस्कृत के सूक्तियों श्लोकों का उदाहरण देकर अपनी बात कही है, जिनका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही। एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि 8 श्लोक तो भगवत गीता के ही उद्धृत किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये परिचर्चा और भी सार्थक हो जाएगी कि जब हम उन सूक्तियों को श्लोकों को इस तरह से लेंगे कि वो किस परिस्थिति में कही गई, क्या उसका संदर्भ था, क्या उनकी आज भी उपयोगिता है, तो ये चर्चा एक हमारी बहुत ही सार्थक बन जाएगी। और ये जो आज का मैंने अपनी बात कही है वो केवल इसी तक सीमित की है कि संस्कृत को चाहने के बावजूद, संस्कृत में अनेक गुणों के होने के बावजूद संविधान सभा ने इसको यद्यपि भाषाओं में तो रखा है लेकिन राजभाषा के रूप में नहीं लिया गया था, क्योंकि आम व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। और इसका एक उदाहरण अंत में बात बता रहा हूँ सर आपको, एक तथ्य कि भारतीय संविधान का संस्कृत अनुवाद के रूप में पहला प्रकाशन 1950 में हुआ था और उसकी पुनर्प्रकाशन 1985 में हुआ, लेकिन मैंने आज तक स्वयं भी नहीं देखा, ना हमारे विद्यालय में था, जबकि हमारे विद्यालय में संविधान सभा की तीन डिबेट्स की तीन तीन कॉपियां रखी हैं, चाहे हिंदी है या इंग्लिश में है, और भी मैंने बहुत जगह देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमें केवल संस्कृत के ही लोग नहीं,
बल्कि सोशल साइंस के, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, लॉ के हैं, उन्हें भी इस दृष्टिकोण से संविधान का विश्लेषण करना चाहिए कि किस प्रकार से संस्कृत में उपलब्ध साहित्य का, दर्शन का, जीवन मूल्यों का उल्लेख संविधान सभा में विद्वानों ने किया है और उनकी आज भी प्रासंगिकता है। क्योंकि मेरा अपना निजी मत है कि संस्कृत में हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वे शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और यदि कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न आमंत्रित है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र जी। आपने इस परिचर्चा का आरंभ तो बहुत अच्छा कर दिया है और कई सारी सूचनाएं आपने हमें उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन ये सूचनाएं मुझे लगता है कि अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जितनी बार वहां पे रेफरेंस आया है संस्कृत को लेकर के, संदर्भ आए हैं और जो विभिन्न प्रकार के कॉन्टेक्स्ट हैं कि जिन जिन कॉन्टेक्स्ट में संस्कृत को उद्धृत किया गया है अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग राजनेताओं के द्वारा, वहां के सभासदों के द्वारा, मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक तो टिप्पणी जरूर आपकी चाहिए और फिर आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे, 3 या 4 जितने भी हमारे पास संभावना होगी, उसमें उस पर तो आप चर्चा करेंगे चलेंगे, क्योंकि उसके बगैर जो है वो थोड़ी सी बात को पकड़ पाना पूरे व्यापक रूप में थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मटेरियल बहुत है, लेकिन फिर भी एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि आपने 8 बार गीता का जो रेफरेंस दिया गया है उसके अतिरिक्त जैसे स्वामी दयानंद का भी 1 बार बीच में रेफरेंस आया है और उसी तरह से 1 बार जो है वो और किन का रेफरेंस आया है, 2-3 लोगों का रेफरेंस उसमें आया है और भी कई आए हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल गया है अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ अशोक जी, स्वामी दयानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे तो अनेकानेक हमारे ऋषियों का उदाहरण है। और अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है लिखने का, अभी तक मैंने 1-2 दिन में पूरा कर लूंगा, लगभग 70 के आसपास वो उदाहरण निकालने हैं कि जिनको उद्धृत किया गया है। कि जैसे जो सबसे पहली बार किया गया है संस्कृत के उदाहरण, वो नजीरुद्दीन अहमद जी का है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर जी। इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको कि क्या श्लोक है, लेकिन उसका सार बता देता हूं मैं आपको। अब जैसे मेरी जो मानना है कि संस्कृत में एक बड़ी खूबी है कि जो आप बात 2 पेज में 5 पेज में एक लंबा चौड़ा वक्तव्य देकर कहते हैं, उसको संस्कृत में 1 वाक्य में भी कहा जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, इस उद्देश्य प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है, किस लिए आना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई। तो नजीरुद्दीन अहमद जी ने 1 ही वाक्य में उसका समापन कर दिया कि यदि हम जीवन उद्देश्य नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन एक कौए के समान होगा। यानी कि मानव जीवन और एक पक्षी के जीवन के बीच अंतर के लिए उन्होंने इतनी बात कही। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो विषय आपने लिया है बहुत अच्छा है और उसके ऊपर हम परिचर्चा जो अगली करेंगे हम, वो इन्हीं से अब मैं शुरू करूंगा कि कौन कौन से संस्कृत के श्लोक, सूक्तियां किसने और किस संदर्भ में कही थी और उनकी क्या उपयोगिता प्रासंगिकता तब थी और आज भी है। तो मैं समझता हूँ कि वो विषय क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम मैंने एक अंतर किया है सर। यदि हम भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखेंगे संविधान पर, तो मैंने जो संविधान सभा से निकाला है उसमें तो लगभग 450 से ऊपर आते हैं उदाहरण, कि भले ही किसी वक्ता ने हिंदी में बोला हो या इंग्लिश में बोला हो, लेकिन उनके विचारों की छाप विशेषकर भगवद गीता या अन्य शास्त्रों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की है, वो एक बहुत बड़ा व्यापक विषय हो जाता है। उन्हीं में से 70 के आसपास इस समय तक मेरे को मिल चुके हैं
श्लोक या सुक्तियां संस्कृत में जो बोली गई और उनका ही हम यदि विश्लेषण करेंगे तो वह भी एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को वो अवसर देंगे कि मैं उनके बारे में आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारे बुद्धिमान जो सहभागी हैं वे भी इस विषय पर पढ़ें, अपना देखें और साथ में प्रश्न भेजे मेरे को। मैं तो ये चाहता हूँ सर वो अपने उत्सुकताएं, अपनी आशंकाएं, अपने विचार यदि वो मेरे को पहले भेज दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा, ताकि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकूं, उनकी आशंकाओं का समाधान करने का एक प्रयास कर सकूं। तो मेरा उनसे भी आह्वान रहेगा, इसको भी हम ले लेंगे। क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। उनका हम स्वागत भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं, और निश्चित रूप से उनकी विद्वत्ता जो है वो बहुत सिद्धहस्त हैं अपने ज्ञान में। तो निश्चित रूप से अंतिम टिप्पणी मैं उनसे ही लेना चाहूँगा, और एक तरह से अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए। हालांकि मुझे पहले पता होता तो मैं निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करता और आपसे इस सत्र का जो है अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए भी प्रार्थना करता, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतना तो अधिकार हम रख ही सकते हैं आप कि अध्यक्षीय जो टिप्पणी है वो अवश्य आपकी रहे। लेकिन उससे पूर्व कुछ एक बातें और अभी कर लेनी जरूरी है, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। कि इतने सारी बातें होते हुए भी ये क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में संस्कृत को कोई स्थान ही नहीं मिला? कोई भी इतने सारे ग्रंथ, इतना सारा लिटरेचर होने के बावजूद भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में, उसके फंडामेंटल राइट्स में, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में संस्कृत का एक भी पक्ष, एक भी शब्द, एक भी टर्म क्यों नहीं यूज की गई? मुझे तकलीफ इसी बात की है डॉक्टर साहब, जिस वजह से मैं आपके साथ भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ये मात्र और केवल इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके, अंग्रेजों को ध्यान में रख करके लिखा गया। जब मैंने ये सारे का सारा उसका प्रेसिडेंशियल एड्रेस पढ़ा और आगे की जो बहस पढ़ने लगा हूं, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि वो बड़े सावधानी से इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं अंग्रेज को बुरा ना लग जाए। हालांकि मैं सोचता हूं कि जब स्वतंत्रता की बात करने जा रहे हैं तो कम से कम स्वतंत्र होकर के तो बोले, मुझे वो नहीं दिखाई देता। बहुत सारे मेरे भी अपनी रिजर्वेशंस हैं इस सारी डिबेट के बारे में। हालांकि मैं मानता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से ही काम करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अंग्रेजों के दबाव में वो एक भी चीज ऐसी नहीं ला पाए जिसे हम भारतीय संस्कृति कि कहें। संस्कृत को तो चले छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय संस्कृति का कौन सा पक्ष उन्होंने संविधान में एडप्ट किया? या ये हम मान लें कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में था ही ऐसा कुछ नहीं जो संविधान में ऐड किया जाए। सारा का सारा जो पैदा हुआ वो अमेरिका में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और इंग्लैंड में पैदा हुआ। मुझे इस बात पे बहुत रोष है। बता, आप जानते ही हैं, और यदि कोई और भी कोई टिप्पणी इस बारे में करना चाहता है तो जरूर करें, और अगले जो वक्तव्य रहेंगे उनमें हम निश्चित रूप से सीधा सीधा मटेरियल ही लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से संस्कृत के श्लोक किस ग्रंथ से और किस दृष्टि से उसकी व्याख्याएं की गई हैं। लेकिन इस पे अगर आप थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहें कि भारतीय संविधान में और ये जो संविधान सभा में जो डिबेट हुई है इसमें संस्कृत का क्या लिया गया, मतलब सारे संविधान में संस्कृत का क्या है, या भारतीय होना ही, जैसे कि मैंने पहले भी प्रश्न रखा था कि कौन सी ऐसी भारतीय चीज है, वस्तु है, तथ्य है, या कोई एक समझदारी का शब्द है, या हम मान लें कि भाई था ही कुछ नहीं यहाँ पे। अशोक जी, जी सर, आपकी बात सुनकर एक मेरे को याद आ रहा है संविधान सभा में एक सदस्य ने यहाँ तक कहा था जी सर, इस संविधान को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह संविधान दिल्ली में नहीं लंदन में बनाया गया है। सही। जो आपने ये व्यथा रखी है ना सर, जी सर, इसमें
बहुत कुछ सार है, लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं सर जी सर कि मेरा थोड़ा सा मत विभिन्नता है, बिल्कुल हम ठीक है शब्दों पर ना जाएं, जी सर क्योंकि तो लिखा तो हिंदी और इंग्लिश में गया, बोला जो गया हिंदी और इंग्लिश में बोला गया ज्यादातर, जी सर और उसमें जैसे मान लीजिए आप जस्टिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जी न्याय सर करते हैं, जी ये ठीक है कि वहां पर शायद न्याय के पक्ष में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप न्याय शब्द की यदि आप व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको भारतीय संस्कृति मिलेगी। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, जी सर 2017 में बड़ा ही प्रसिद्ध केस है राइट टू प्राइवेसी को लेकर, जी सर जिसमें बातें कहेगी, तो उसमें जस्टिस संजय कौल ने अपना निर्णय देते हुए एक बात कही थी कि न्याय का सिद्धांत हम भारतीयों के लिए कोई नया नहीं है, जी सर और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवत गीता के 4वें अध्याय के श्लोक का वर्णन, तो बड़ा प्रसिद्ध है आपको पता ही है श्लोक, पितृणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग, कि वे भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार पवित्र पितृणाय साधु नाम के लिए बार बार प्रकट होता हूं, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया श्लोक का कि कैसे न्याय के स्थापित करने के लिए ये जो हम कहते हैं सर कि हमारे यहाँ अनेक अवतार पैदा नहीं डॉक्टर एक सेकंड सर, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि मुझे इसी बात का फैक्ट है कि जस्टिस शब्द और न्याय शब्द एक नहीं है, जस्टिस और न्याय एक नहीं है। जस्टिस शब्द की पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो जस्टिस शब्द का मतलब होता है टू गिव अ डिसीजन इन फेवर ऑफ चर्च और द क्राइस्ट, ये है जस्टिस शब्द का मूल अर्थ। अब बाद में वो जस्टिस शब्द जब वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, रेनेसांस आना शुरू हुआ, तो वहां जो है वो न्याय की बात थोड़ी इक्वालिटी के टर्म्स में की जाने लगी है, अन्यथा न्याय यहाँ पर तो बिल्कुल ही एक अलग अर्थ में प्रयोग होता रहा है। तो अब देखिए मैं जो मेरी एक जो शिकायत तो मुझे नहीं अधिकार है करने का, लेकिन जरूर जो मैं एक बात कहता हूँ सर कि सोशल साइंटिस्ट ने भी इस देश की चेतना के साथ बड़ा व्यभिचार किया, उसने ये देख जानने की समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं और जो भारतीय संस्कृति के शब्द हैं दोनों का तालमेल नहीं है। आज भी आप यही देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द के नाम पर किस तरह से हमारे साथ अनाचार किया जाता है, रिलीजन शब्द को आप धर्म बना रहे हैं, धर्म रिलीजन नहीं है, ये बात दोहराते रहे, लेकिन ये बात कैसे समझाएंगे। सोशल साइंटिस्ट ने जो इस देश के साथ मतलब उसने बहुत अनुचित व्यवहार किया है, या तो वो ये कहते हैं अपनी क्लास में कि भाई रिलीजन शब्द के अर्थ ये होते हैं, धर्म शब्द के अर्थ ये होते हैं, लेकिन हम तुम्हें जो है सिलेबस के हिसाब से बस दोनों को मिला जुला करके पढ़ा रहे हैं। ये ईमानदारी तो मैंने सोशल साइंटिस्ट में देखी नहीं, मुझे इस पे बात पे बहुत रंज है, बहुत रोष आता है कि कम से कम दोनों भाषाओं की संस्कृति आप जानते हैं कि दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक दृष्टि बिल्कुल अलग है, लेकिन उसको उभारते नहीं, वो चलता कर देना चाहते हैं। स्त्री और वुमेन मुझे बताएं कि कहां एक है। स्त्री शब्द के लिए आपको संस्कृत में लगभग जो है वो 300 से ऊपर शब्द मिलते हैं, और वुमेन जो है विच कम्स आफ्टर द मैन, इतना अंतर पड़ गया, लेकिन आप करके पढ़ा देते हैं सोशल साइंसेस में कि भी देखो देखो स्त्री जो है वो आदमी के नीचे दबी हुई और ये हुआ उसके साथ ये हो गया। वुमेन एंड स्त्री बोथ आर नॉट वन सर, मतलब ये सोशल साइंटिस्ट में एक उसके भीतर कुछ एक ये पैदा तो होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि वो सोशल साइंटिस्ट है क्योंकि उसके नाम के साथ साइंटिस्ट लग गया है, तो निश्चित रूप से वो बुद्धिवादी होगा लेकिन ये काम है। ऐसा है जी सर कि अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि किसी शब्द की मूल उत्पत्ति क्या है जी सर वो हमें नहीं मालूम होती। नो सर ऐसा नहीं सर, ये बचाव का तरीका उचित नहीं है, ये बचाव प्रयोग है ना सर, उसको नहीं सर आपका मतलब ही नहीं है। जब आप देखिए जब आपने कोई जिम्मेदारी ले ली तो फिर आप आम नहीं रहे। संविधान सभा के वो लोग आम नहीं थे जिन्होंने ये ज्यादतियां की हैं,
उन्होंने क्यों अंग्रेजी में सोचा, उन्होंने क्यों नहीं अपनी भारतीय भाषा में सोचा? वो हिंदुस्तानी थे या अंग्रेजों के लिए वो संविधान लिख रहे थे कि देखो हमने तुम्हारे लिए लिखा? नहीं सर, यही ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी में थे, वहां हिंदी में वक्तव्य हुए, दूसरी भाषाओं में भी हुए। मेरा जो कहना है अर्थ कि जी सर, संस्कृत की शायद या भाषा की उत्कृष्टता या उसको नहीं देखा, लेकिन एक आम व्यक्ति की जो भाषा के बारे में या किसी शब्द के बारे में प्रचलित धारणा है उसको अभिव्यक्त किया। मैं सर यहाँ पर क्या कुछ क्षमा चाहूंगा, कुछ कह सकते एक शब्द हैं इसमें? जो आपने कहा अब उसके प्रयोग पर ला रहा हूँ। अभी आपने सर एक शब्द प्रयोग थे सेकुलर जी, डॉक्टर साहब जो घोष जी कह रहे हैं ना, उनका कहने का ये आशय है कि जब आप सोशल विषय को पढ़े तो फिर उस शब्द दान को जान करके ना आप और अच्छा काम कर पाएंगे यदि उस शब्द के मूल में जाएं, जैसे सेकुलरिज्म हो गया या धर्म शब्द हो गया। तो कहता आशय मैं जो समझ रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप सामाजिक साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट को फिर उसके मूल में जाकर के आगे बढ़ना चाहिए, इतनी बात कह रहा था बस। मैं सर चलिए आप सहमत हूँ जी, कुछ कह सकते हैं जी, 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 जी। आशुतोष जी का भी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आशुतोष जी का भी यही है, लेकिन मेरी एक समस्या है सर जी सिंपल, कि एक सामाजिक वैज्ञानिक होने के नाते मैं समाज शास्त्रीय धारणा तो शायद मैं उसका संस्कृत में उत्पत्ति क्या है उसको मेरे को पता ही नहीं है और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं उसको समझने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर, करना चाहिए बस ये। आशुतोष जी ने एक शब्द बोला है सर सेकुलरिज्म जी, और आजकल वो कंट्रोवर्शियल हो गया कि सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है। जैसे कि हम आमतौर पर कह रहे थे कि सेकुलरिज्म का अर्थ ये है कि हम किसी के साथ पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे ना। एक इसी में आजकल जो बड़ा विवादास्पद शब्द आ रहा है हिंदुत्व या हिंदू। अब मैं सर आपके सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि हिंदू धर्म पंथ कहें आप, हिंदू का अर्थ क्या है जिसकी सारी की सारी धारणाएं सर्वे भवन्तु सुखिने पर है, तो फिर हिंदू और सेकुलरिज्म में क्या अंतर रह गया? लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि मैं हिंदू हूं तो मेरे ऊपर एक सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाएगा, तो सर क्योंकि प्रचलित भाषा में वो एक पंथ का बन गया। तो होता क्या है सर कि हम शब्द को उसका वास्तविक अर्थ छोड़कर जो उसका व्यवहारिक रूप से लोग प्रयोग कर रहे हैं उस धारणा में बह जाते हैं। तो इसमें बहने में निश्चित रूप से बहुत से शब्दों का अर्थ अनर्थ हो जाता है जी, बिल्कुल सर, उनका विकृत हो जाता है जी। मुझे लगता है कि बल्कि मैं ये चाहता हूँ सर, आशुतोष जी बहुत अच्छी बात कही है और आपने भी डाला कि हमें इस ओर प्रयास करना चाहिए, हमें इस ओर आगे आना चाहिए। जो शब्द है जो विशेष रूप से संविधान में आए हैं, चाहे वो बंधुत्व है, न्याय है, समानता है, समाजवाद है, कि इनका संस्कृत में क्या उत्पत्ति है जी। तो इस ओर की एक शोध कार्य, और ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आप और आशुतोष जी बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे और करेंगे तो बहुत ही समाज के बड़ा लाभ होगा। चलिए एक मेजर जनरल जी कुछ कह रहे हैं, अमिल कुमार कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या वक्तव्य है? हेलो जनरल साहब, मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं हमारे तक आ रही, बट एनीवे मुझे लगता है कि यदि किसी और की कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है तो वो अपना संक्षेप में रखें, तो उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंशियल कमेंट्स लेकर के इसको समाप्त करेंगे जी। रोहताश जी, डॉक्टर रोहताश जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता जी प्रणाम, नमस्कार। और सर ठीक हूँ सर, मैं आप ठीक हैं? हाँ जी हाँ जी। आज सर मेरा एक प्रश्न था, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि किसी ने कहा कि ये संविधान दिल्ली में नहीं लंदन में बन रहा है। हाँ जी हाँ जी।
सर मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। ये सर मैं अगले उसमें बता दूंगा आपको, किसने कहा, किस तारीख को कहा और संविधान सभा की किस प्रश्न पर है। हाँ जी, हाँ जी जी डॉक्टर जी जी डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर वो दे देंगे, आज शाम को ही दे देंगे, उसको ढूंढ करके बता दिया जाएगा आपको। धन्यवाद आपका। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा सर जी। गुप्ता जी हाँ जी, हाँ जी बताएं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने ये कहा 8 श्लोक संस्कृत से गीता के संविधान में है जी। हेलो, हाँ सर, उनका संस्कृत मिल जाएगा सर। हेलो, वो कह रहे हैं, रोहतास जी कह रहे हैं, सर मैं कह देता हूँ आपकी बात, आपके आवाज कट रही है। वो कह रहे हैं कि गीता के जो 8 श्लोक हैं उनके रेफरेंस जो हैं वो कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, उसका संदर्भ अगर आप मुझे उपलब्ध करा दें तो धन्यवाद। सर ऐसे कि संदर्भ तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं आपको जो है संस्कृत का वो श्लोक आप श्लोक किस पेज पे पता है श्लोक की दे दीजिएगा। बस बस धन्यवाद जी। बिलाल अगले वक्तव्य में ना मैं आपको अपने वक्तव्य में हर एक श्लोक का पूरा रेफरेंस दूंगा कि किसने किस पेज पर कहा है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। मुझे लगता है जीसी बिलारा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं जी। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए चलिए। अब हम, मुझे लगता है कि एक प्रेसिडेंशियल टिप्पणी जो है, एड्रेस जो है उसको हम देखेंगे, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी को, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य जो है आज की इस चर्चा पे दें। डॉक्टर साहब जी, ओम ओम विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवं विमामे रजांसि योऽस्कु भयतरं विचक्रमाणस् त्रिधोरुगाय। ओम शांति शांति शांति। आह्वान के योग्य जितने भी बड़े बड़े विद्वज्जन यहाँ विद्यमान हैं, गुप्ता जी समेत, और कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे भाई डॉक्टर आशुतोष जी आंगिरस, और जैसे मैडम रेणु जी भी दिख रही थी, और भी बहुत सारे हैं, सबको प्रणाम। और जो छोटे हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी रहे और अध्यापक हैं, उनको सबको मेरा आशीर्वाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सौभाग्य से मैंने ये देखा, मैं भी टेक्निकली कम हूँ जरा दक्ष, तो अभी घुमाते घुमाते मैंने देख लिया कि ये अपने जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर आशुतोष जी ने जो की है संरचना सुनूं मैं श्रोता बन के, और गुप्ता जी को देखूं क्या कह रहे हैं, तो मैं देखने लगा। वो थोड़ा सा उन्होंने ना नीचे ऊपर कर रखा था, एक बार टिप्पणी भी हमारे किसी भाई ने दी, वो मोबाइल या उसको ऊपर उठा लेते, थोड़ा सा सीधा कर लेते, चेहरा कम आ रहा था। और उनके चेहरे को अब अपने काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं, और वो मैं तो ये समझता था कि ये क्रिश्चियन है भाई साहब, बहुत देर बाद में पता चला गुप्ता जी है ये आरकेएसडी वाले। चलिए एनीवे, जितनी बात आपने कही बड़ी अच्छी, और संविधान की उठा करके जो फैक्ट्स उन्होंने रखे कि भाई जो जो बातें वहां पर चर्चा में आई, और एक विशेष बात ये थी, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहूंगा लेकिन बूंद बिंदु सा निपात करूंगा, कि जितने भी लोग थे कह तो रहे ये कि गले नहीं उतरती, क्योंकि आप उठा करके ये देखें और पीछे का,
चाहे वो रावण है, चाहे वो अहिरावण है, चाहे और दूसरे हैं, और हनुमान जी का जिक्र भी है, वो भी जबरदस्त वैयाकरण है, और भी अन्य लोग और लकड़हारे का उदाहरण तो बहुत ही जबरदस्त बाधते राजन, ये बाधती बाधते। आप बैक में जाएं, वैदिक साहित्य से पुराना तो कुछ है नहीं, समूचा विश्व ये कह रहा है, मान रहा है कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड। ऋग्वेद तो सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद भी जो चलती रही। कम से कम आपको ये बता दो, हिंदी नहीं थी भाषा, हिंदी तो नहीं थी। हाँ, जो ये 17 के बाद और 18वीं शताब्दी में लल्लू लाल सदल मिश्र इंशाअल्लाह खां इन्होंने मिलकर के ये चर्चा की कि भाई अब लोग कोई मागधी में, कोई सोरसेनी में, कोई अवधी में लिखने लग रहे हैं, जो अपनी आंचलिक बोली है, तो क्यों ना इसको हिंदी नाम दे दिया जाए, तब तो ये हिंदी हुआ। और कोई भी, जितने लोग बैठे हैं सारे सुन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से अलग जाएगा कि तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस को लिखा, और वह लिखते हुए ये लिख रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मन जुलमातनोति। उन्होंने भी सारा कह दिया कि मैंने जो कुछ इसमें लिया है ना, मैंने अनेक पुराणों से, है ना, निगम आगम उसमें उपनिषद आदि सभी आगे, मैं वहां से ले रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, अब मैंने इसको संचित करके स्वांतः सुखाए मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने ये बात कह दी, और इससे सभी लोग बताते और पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। और जो श्लोक कोट कर रहे हैं अभी गुप्ता जी बता रहे, चाहे वो परित्राणाय साधु नाम है, चाहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, सारे संस्कृति को सामने रखते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि इंग्लैंड में लिखा गया होगा, यहाँ तो केवल इसको सामने परोस दिया गया है, ये भी बात उन्होंने ठीक, उनको गंध आ गई। जहां भी कोई चीज है, अभी भी लोग संविधान उसमें पार्लियामेंट में बोलते हैं, और एक तो यहाँ मजे की बात है, एक दिन मेरे मित्र आगे बोले, मिश्रा जी कहाँ है, मैंने कहा यहाँ तो है नहीं, बोले सुरेंद्र मोहन जी, मैंने कहा वो भी नहीं है, मैंने कहा आपका सांस क्यों फूल रहा है बताइए तो, कुछ मैं सेवा कर सकूं। बोले वो कोई बहुत बड़े आदमी, नाम तो नहीं लूंगा, कोई मंत्री या संतरी किसी का, बोले वो है और उनको बोलना है। तो मैंने कहा आप एक काम करो भाई, और लिख ले जाओ, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, आनो भद्रा कृतवो संतो विश्वत है, कृतवो यंतु विश्वत है, और इसकी हिंदी बोल देता हूं, और उसके बाद में इनको सर्वे भवन्तु सुखिने करवा देना, आई एम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम, इससे जुड़वा देना कि एक परिवार है। और भी अगर वो मंत्री जी बोल सकते हो तो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये कहलवा दो भाई घोंसले में, जैसे सारा विश्व ये जो है समा गया मेरे कमंडल में। तो उन्होंने ले गए वो, बोले चलो आज विद्वान लोग बड़े वाले तो नहीं थे, चलो छोटे से ही लिखा ले चले, और उसके बाद में बुलवा दिया, फिर उनको थैंक्स आया, वो उस थैंक्स को मुझे देने आए। मैंने कहा भाई धन्य हो, बात यह है कि हमारा जो संस्कृत का अध्यापक है, उसकी वाणी उसके मुंह से जो निकलेगी वही वो प्रसाद होगा, उस प्रसाद को ग्रहण कर ले। जितने भी टीचर हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट प्लेसेस पर बैठे हैं, उनसे जो भी बात सुनोगे आप, वो सारी संस्कृति है। अब रही इसकी बात इसका मीडियम बनाने की, वो क्योंकि उससे पहले सभी बोल रहे थे, हिंदी भी बाद में बनी है आपके सामने ही सामने, तो ये कहना है कि शुद्ध हिंदी ना हो, शुद्ध हिंदी ना हो इसलिए लोगों ने इसे बिगाड़ बिगाड़ के इंग्लिश भी नहीं छोड़ी उसको, उर्दू भी नहीं छोड़ा उसको, ऐसा मिक्सचर बना के। और मेरे मित्र लोग सारे वो ये कहते हैं हिंदी का प्रचार करो, हिंदी का प्रचार करो, हिंदी कोई मोहताज नहीं है, हिंदी तो संस्कृति है। डॉक्टर बलदेव सिंह रहे नहीं है, मुझे दुख है, उन्होंने उच्च हिंदी तैयार करके एक मंच बनाया था, बोले भाई हिंदी नष्ट होती जा रही है,
और जो जो मैं एक पंक्ति में ही लोगों को कह देता हूं कि जो जो ये सब पढ़ते हैं छायावाद के स्तंभों को, मैं तो दोनों का ठेकेदार हूं भैया। जब मैं ये कहता हूं कि शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सही कत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। भाई उसमें ये बता दियो क्या संस्कृत से भिन्न कुछ है? और जो अरुण यह मधुमय देश हमारा, या हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कोई भी जो चीज है उठा लो कोई। भाई संस्कृत और हिंदी में कोई भेद नहीं है, हिंदी संस्कृत का एक वो सरल सरल से सरल रूप है, पर उस रूप को बिगाड़े ना, उसको विकृत कर रहे हैं लोग। कोई कोई शब्द तो उठा लेते हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं इस ग्रंथ में निर्धारित, निहित और अभिहित। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हैं वैसे अभिहित? क्यों हित में कही गई ये बात, या क्या बात है? यही कह दो कि इस ग्रंथ में कहा गया है, तो वो उसे सुंदर भी बनाना चाहते हैं और समाज को ये भी कहना चाहते हैं ये क्लिष्ट है। कुछ क्लिष्ट नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आओ मंच पे एकत्र हो, कोई सीखे तो सही। जब जब उस व्यक्ति ने ये कह दिया संविधान में कि यदि संस्कृत हिंदी को चलाना है तो संस्कृत के शब्द लिए जाने चाहिए। अब मैं किसे क्या कहूं? और जितने संविधान उसके अंदर कोर्ट के अंदर अभी भी वकील उसको लेकर के कोर्ट करता है मिताक्षरा को, वहां लिख रहे हैं कि जो बंटवारे करे ना, विभागम चेत पिताकुर याद इच्छया भी भजिए तो सुतान। अगर विभाग करे तो अपनी इच्छा से बांटे अपने पुत्रों में, ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागे ने सर्वे वास्यु समानसी ने, चाहे तो बड़े बेटे को जेठे बेटे को ज्यादा हिस्सा दे दे, या फिर चारों बच्चों में समान बांट दे। ये लेके वकील उसको कोट करता है मिताक्षरा को जज के सामने आज भी। तो जब जब वकील को चाहिए मिताक्षरा पढ़े, जो नए पैदा हो रहे हैं, जो जो एडवोकेट है, वकील नहीं है हमारे यहाँ, तो वकील है। वाक वाणी को कहते हैं, वाकील है, वकील है, वकील वाकील है, वाणी में प्रखर है और उसके पास में लॉजिक्स हैं। वो जिरह करता है, वाद संवाद करता है, निर्णय दिलवाता है। तो भाई कोई भी चीज है वो सब संस्कृत में है। यदि हो जाती ना अगर, तो सारे बोलते पढ़े लिखे भी और संविधान की चर्चा भी होती। चलिए अब नहीं हो पाया, कम से कम इतना तो ना करें लोग। अभी कल मैंने बच्चों को कहा फिर भाई करो इसे शेयर। वो प्रियवर संदीप जी माहेश्वरी है, उन्होंने यही उससे वो झलका के मैंने वो पढ़ी भी, वो देखी भी वो रील। मैंने कहा यार इससे तो ये लगता है इसने बेचारे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसको तो मोटिवेशनल लेक्चर देने वाला बताते हैं, बड़ा अच्छा, बच्चे फैन है। अरे भाई ये तो सोच लो, इतिहास के बिना इति है आस, इतिहास को कह रहे काटा मार दो। कहते हैं संस्कृत का अनुवाद पढ़ लो, अभी भी लोग कहते हैं ट्रांसलेशन है इंग्लिश में पढ़ लो। अरे गीता को अगर ना पढ़ा, मेरे लोग तो जेल में जाके और फांसी पे फंदे पे चढ़ गए, वहां भी गीता रख के पढ़ते रहे। राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सुख आइए, वो गीता पढ़ते रहे। कहूंगा कि गुप्ता ने बड़ा लॉयली और उन्हें जो जो श्लोक मंगा से भी देख कि फ्री आके अच्छी, और जितने लोग जो मुगल मुगल शासन चला कराए संस्कृत के फारसी में हमारे ग्रंथों के, और कहते हैं तो बहुत अच्छी चीज। फिर उन्होंने ऐसा भी किया मुस्लिमों ने,
कि जहां उसका कलमा पढ़ा जा रहा था शादी में, वहीं बुला के पंडित जी को मंत्र पाठ कराते थे। ये तो राजनीतिगत आग दे दी गई है। अब उसको संभालना बड़ा कुछ कठिन है। आग दे दी गई है, नहीं तो ना मुस्लिम हमसे अलग है, वो बने भी बहुत सारे आपके बीच में से ही है, बहुत सारे अभी भी बन जाना चाहते हैं। अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात अवश्य कि संस्कृत के अलावा कहीं कुछ नहीं है। यदि आस्ति तत् सर्वत्र, इन्ने आस्ति न तत् क्वचित। तो भाई संस्कृत को पढ़ा जाए, और अगर इसे बोलचाल की भाषा स्वीकार किया जाए तो सरल शब्द बताने को मैं तैयार हूं, और हमारा प्रयास चल भी रहा है। बहुत सारे लोग बोलने लगे, ऐसी बात नहीं है कि बोलचाल की भाषा नहीं है, और उसको चलो सर्वसम्मति से उन्होंने ये कर दिया। हिंदी भी हमसे अलग नहीं है, हिंदी तो हमारा ही रूप है, संस्कृत ही है वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे ये समय दिया और इस योग्य समझा, मैं छोटे भाई को प्यार और आदर दोनों चीजें देता हूं। और जो नजीरुद्दीन अहमद की बात भी इन्होंने कही, और भी मिल जाएंगे, वो संस्कृत को प्यार करते हैं, और जब हिंदी में चले आ तो भाई कोई नहीं, एक पंक्ति में जो भी सुन रहा होगा कि मानुष हो तो वही रस खान, रस खान, रस की खान, मानुष हो तो वही रस बजो बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारण, जो पशु हो तो कहा बसु बेरो चंडित नंद की धेनु मार रही। रस खान ने गजब कर दिया कि भाई जो या लकुटी अरु कामरी, यहाँ पर लकुटी कम्बल राज सिद्धि नवो निज सुख की, इस तो हिंदी में आके आठों सिद्धि और नौ निधि और चार वेद वेदांग है, और जो कहते हैं आरती गाते हैं कि चारों वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथ रस, अगर नहीं समझ पाएगा इसे, हमारा ज्ञान छीन होता चला जा रहा है। हमारे हर हिंदी जानने वाले को उसके मूल में संस्कृत पढ़ाना अपेक्षित है। यदि नहीं पढ़ा तो हम गुलाम होंगे, हम बाहर जाया करेंगे संस्कृत पढ़ने, और उन्होंने पहली क्लास से संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। छिन जाएगी आपसे संस्कृत का पेटेंट, हो जाएगा विश्व में और जगह, और हमारा देश दब जाएगा इसके पार्ट एंड पार्सल से सारे देश में। जो लंका था टापू था हमारा ही, अहिरावण भी अमेरिका में रहता था, जो नीचे का हिस्सा है ना वो अमेरिका कहलाता है, पाताल जिसको हम कहते थे। जैसे हमें कुरुक्षेत्र में बैठाऊं, अगर कैथल में जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की नीचे की चौखट और कैथल की ऊपर की चौखट लोग ही बताते हैं मुझे, मैंने तो बाद में इस के ये नीचा ऐसे ही समुद्र कहीं से खत्म होता है कहीं उठ जाता है पठार, परंतु ये था अरे सामने से तिब्बत का सर आपका कनेक्शन अफगान गया आपसे अलग न तो सिस्टर हो गया मातृ पितृ से मदर फादर सान सोनू हमारे यहाँ सोनू है सोन सोनू बोल नहीं सकता और वो गऊ गऊ कहने में कठिनाई होती है ओ यस काव काव काऊ काव बोलने लग गया और चीज चर्चा होगी चलिए कोई बात नहीं है बहुत सारी बात है लेकिन मेरा कहने का आशय है एक पंक्ति में कि यत्र विश्वम भवत्ति एक नीडम को लेते हुए हमें संस्कृत के मूल में जो शब्द हैं हिंदी में भी उनके मूल में जा होगा हर शब्द को कि भाई ये कहां से आया समझ समझ शब्द से समाज बना इसको समाज का शास्त्र पढ़ाने लगे है ना समाज का विज्ञान है हमको इसको जानना चाहिए तो इस दृष्टि से हमें इसको जानना है और आपके बीच में अपनी बात रखी भाई फिर इसके बाद में मैं आऊंगा कभी आपके बीच में और आप सबने मेरी बात सुन ली है
मैं आपको वर्धापन कहता हूँ। जोर से बोल गया, ये बोल जाते हैं, मुझे ये कहा गया आसपास से कि भी आप जोर से बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, धीमे बोलने लगता, मुझे पता ही रहता, सोचते शायद आवाज नहीं जा रही, और माइक जरूरत नहीं होती, सारी क्लास जो होती है ना 250 हो और जब 1000 बैठे तो सबके पीछे मेरे उस परमात्मा का प्रताप है। आपने बात सुनी, आपको धन्यवाद देता हूँ, और जितने सुनी सुनकर अगर लगे उसको लगाओ, इनके सबको बताओ और प्यार से सबको जोड़ो। संस्कृत संस्कृत सबका मूल है, यदि संस्कृत नहीं पढ़ी तो वेद दर्शन है, उपनिषद है, साहित्य है, कुछ नहीं पढ़ा, न काव्य शास्त्र पढ़ा, न तर्क शास्त्र पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए जय तू संस्कृतम, जय तू भारतम, ओम शमवस्तु। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने तो डॉक्टर आशुतोष जी। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया है, अध्यक्षीय जो आपका वक्तव्य रहा है, बड़ा प्रभावी रहा है, और वाणी तो आपकी बहुत स्पष्ट है, और संस्कृतज्ञों से यही अपेक्षा है। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो बीच में चली जाती है, लेकिन उस पर आपका या मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो लेकिन जो भी आपने वक्तव्य दिया है वो बड़ा युक्ति संगत है और बड़ा ही उपयोगी हम सभी के लिए रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन चलने से पहले एक दो सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ, और अगर हमारे साथ मेजर जनरल जी दोबारा जुड़ चुके हैं, तो बीच में वो अपनी बात कहना चाह रहे थे लेकिन फिर कह नहीं पाए, लेकिन कहना चाहेंगे तो जरूर बीच में अपने को अनम्यूट करके कह सकते हैं। सूचना ये है कि परसों जो है, परसों का जो विषय है वो विषय है यक्ष प्रश्न इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में जो महाभारत के यक्ष प्रश्न है उनकी आज रेलेवेंस क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, और किस तरह से वो आज के युग में आज का जो सारी समस्याएं हैं उनको वो हैंडल कर सकता है, या उनके प्रति क्या वो अपने प्रत्युत्तर देता है, उस सारे विषय पे ऊपर जो है परसों चर्चा होगी, और वो संपर्क आप लोगों को दोबारा हम साझा करेंगे। तो मुझे लगता है जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर माफ कीजिएगा, एक्चुअली बीच में एक और वेबिनार था, थोड़ी देर के लिए मुझे उस तरफ को भी जाना पड़ा, इसलिए कुछ पोर्शन जो है मैं नहीं सुन पाया। प्रोफेसर गुप्ता जी, प्रोफेसर गुप्ता जी जो है उनकी बात में जब सुन रहा था, मैं थोड़ा सा वापस उसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ को, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की तरफ को ही आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा। बात तो गुप्ता जी आपने बहुत जो है ठीक कही है, और मैं इसके ऊपर ये मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो है वो तैयार किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। और एक हमने एक वेबिनार किया था जिसमें हमने वाल्मीकि रामायण से कुछ ऐसी चीज़ें उठाई थी जो हमें लगा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कि रामायण से वो चीज़ें उठाते, वो नहीं उठाई उन्हें। तो उस वक्त जो है एक बात मैंने जो शेयर की थी कि हमने ये जो कट पेस्ट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की उस वक्त, जैसे अभी गुप्ता जी भी बता रहे थे कि इतनी बार महाभारत का उल्लेख हुआ है, रामायण के उसमें चित्र भी आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की छाप है, लेकिन वो छाप के बाद जो है रियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्यों नहीं आ पाई। अब आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखें, 1935 एक्ट के बाद उसके बाद जो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी, या पॉलिटिकल ऑब्लिक सोशल एंड कम्युनल सिचुएशन जो चल रही थी 1946 के आसपास, जब नोआ खली और बाकी और जगह ये सारा कम्युनलिज्म दंगे होने शुरू हो गए थे, उस वक्त मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री और कट एंड पेस्ट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके उस छाप को तो महसूस किया, स्पीचेस में उन्होंने मेंशन भी किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनको लेकर नहीं आए। इसीलिए जो है वो हॉब्स, लॉक, रूसो या मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स या फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको एज इट इज उठाने वाली बात जो है ज्यादा हो गई।
अगर हम जो है गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे पास रामायणा है, हमारे पास महाभारत है, और इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके प्रोविजंस की छाप की बजाय उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना चाहिए था। तो ये एक जो बहुत जबरदस्त मिसिंग लिंक रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये आज पार्ट वन किया है, पार्ट टू जब करेंगे उसमें थोड़ा सा और इस चीज को डिटेल में बात की जा सकती है कि कौन कौन से हमारे रामायण महाभारत या और ऐसे स्क्रिप्चर्स के जो जो उसमें चीज है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा अब कैसे बनाया जाए। भाई हो गया, भाई नहीं हुआ, वो बात बिल्कुल ठीक है, नहीं हुआ, अब आगे करना क्या है। आगे करने के लिए हमारे पास उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, राजा दशरथ की कैसे थी और श्री राम भरत को कैसे बोलते कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की बात आ रही है, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात आ रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनको हम मॉडिफिकेशन करने की तरफ या एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की तरफ हम सब मिलकर जो है एक एक मुहिम शुरू करें कि इन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है। अगर वो नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि हम फिर वही वो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर और वो ब्रिटिशर्स और ये उसी में उलझकर रहेंगे और उस सारे चक्कर में हम क्या होगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, वेबिनार्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम अपनी डेली रूटीन लाइफ पर आ जाएंगे। ये हमारे पास एक मौका है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन हमें लगता है उनको डालने चाहिए थे, जो नहीं डाले गए उनकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ काम करना शुरू कर दे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जनरल साहब, आपने बहुत सही बात कही है और बड़ी प्रभावी तरीके से बात कही है और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इस बात का समर्थन भी करता हूँ कि हमें एक विकल्प जरूर तैयार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कि तो लगता है कि जो कल जो भी ग्रुप हावी हो जाएगा वो जो है उसमें अमेंडमेंट कर देगा, तो ये तो कोई बात जस्ती नहीं कि एक ऐसा संविधान है कि 100 के करीब या 100 से ज्यादा ही शायद उसमें अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो निश्चित रूप से मुझे, और दूसरी बात जो मैं जनरल साहब का समर्थन करना चाहूंगा कि हमें संविधान बहुत ही सरल बनाना चाहिए था। दो शब्द अगर हम ले लेते अपनी भारतीय परंपरा से, एक और पुरुषार्थ ले लेते और दूसरी ओर तृष्णा, क्या कहते हैं उसको, एषणा, एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ तीन एषणाएं अगर हम ले लेते तो सारे संविधान की बातें उसके बीच में समाहित हो जाती हैं, जिसको हम आज बड़ा जोर दे के कहते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट दे दिए, हमने ये सद्भावना की बात कर ली और फ्रेटर्निटी की बातें कर ली हैं, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष और पुत्रेषणा वित्तेषणा और यशेषणा लोकेषणा, इसके बीच में इससे बाहर तो आपकी कोई बात है ही नहीं, ना मानवीय व्यवहार की है ना समाज के व्यवहार की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस समय का हम सदुपयोग करें, एक बेहतर विकल्प जो है उपलब्ध कराएं ताकि सभ्य समाज अपने जो है मंगल की ओर चले, अग्रसर हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने और जो संकलन करता थे, अब निर्माता शब्द भी जो है वो बड़ा अजीब लगता है, बल्कि संकलन करता जो रहे हैं उन्होंने जो कुछ हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसको और अग्रसर किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक हम जो है हमारा दायित्व भी है और हमें ये करना भी चाहिए। तो अगला जो वक्तव्य रहेगा वो निश्चित रूप से हम आप लोगों को सूचित करेंगे, इसका भाग दो, जो ये तो केवल एक भूमिका के रूप में थी आज की सारी बातें। अगली बार जो है हमें ज्यादा प्रमाण मिलेंगे, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट है और किन व्यक्तियों ने किन बातों को प्रस्तुत किया है संस्कृत के, वो अगली बार हम लेंगे। और साथ ही साथ पुनः मैं सूचना परसों के लिए दोहरा रहा हूँ कि परसों का जो वेबिनार है उसका लिंक अलग है, व्हाट्सएप पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको वो लिंक शेयर हमने कर दिया था, नहीं है तो दोबारा कर देंगे। परसों का जो विषय है वो है रेलेवेंस ऑफ यक्ष प्रश्न इन 21st century, 21वीं शताब्दी में जो यक्ष प्रश्न है महाभारत के उनकी संगतता उपयोगिता क्या है उसके ऊपर वो रहेगा चर्चा, लगभग एक घंटे की, 11:30 बजे उसका समय है। तो आप लोगों से आग्रह है कि उसमें जरूर जुड़े और उसमें अपनी सहभागिता अवश्य करें। और इसके साथ ही इससे पूर्व की धन्यवाद ज्ञापित करूं, यदि किसी का फॉर्म नहीं भरा गया है तो मुझे आप बता सकते हैं, उसको फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद लिंक जब क्लोज हो गया फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
आप लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं या तो शाम को नहीं तो कल सुबह तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सुना। गुप्ता जी के प्रति, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी के प्रति तो बहुत विनम्र भाव से मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेहनत की है इसके ऊपर, पूरी लगन से उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया है, इसका दायित्व वरण किया है। नहीं तो कौन है जो इस तरह का काम करने के लिए उत्सुक होता है और दायित्व लेता है। तो उन्होंने इस दायित्व को लिया है और बड़े सही से इस कार्य को उन्होंने जो है प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ आप सब श्रोताओं का, प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस सारी चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और परसों फिर हम पुनः मिलते हैं और फिर उसके आगे की सारी योजनाएं आपके साथ पुनः हम साझा करेंगे। धन्यवाद। अब आप सभी लोग जो है वो उस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। यदि किसी की कोई समस्या है, यदि किसी का कोई फॉर्म नहीं भरा गया है तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं मीटिंग को क्लोज डाउन करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ सर। डॉक्टर रविंद्र जी, अब आप अपने को अनम्यूट कर लें, अब मित्रता के तौर पे बात कर लें आपसे।